सो माय नेम इज़ रोहन गर्ग. मैंने अपना फाउंडेशन यू नो नवंबर 2019 में दिया था, जिसमें मेरी AIR 19 थी. देन मेरा इंटर का अटैम्प्ट नवंबर 20 था, जिसमें मेरी AIR 27 थी. एंड मेरा फाइनल का अटैम्प्ट जो है नवंबर 23 में ड्यू था. लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि एट द एंड ऑफ द मोमेंट जब मेरी प्रिपरेशन पूरी रेडी होगी, यू नो मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी चल रही होगी, मैं इतना प्रिपेयर हूँ कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ रैंक इन माय सीए फाइनल एग्जाम जो नवंबर 23 में ड्यू होने वाली थी. मुझे अपने एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम मुझे ये पता चल रहा है कि मैं यू नो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ. एंड जब मैंने इसका रीज़न ढूंढने की कोशिश करी, जब मुझे ये पता चला कि मैंने कोई आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की नॉन कंप्लायंस करी है, जिसकी वजह से यू नो मैं नवंबर 23 में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ. ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैंने लिटरली बहुत से केसेस देखे हैं ऐसे जो इस बार पर्टिकुलरली देखने आ रहे हैं कि जिन लोगों ने भी यू नो आर्टिकलशिप के दौरान ट्रांसफर लिया था, उस ट्रांसफर के दौरान कुछ फॉर्मेलिटीज हुई या प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स में कोई कमी रहने की वजह से एग्जाम देने के लिए आप इनएलिजिबल हो रहे हो. तो ये मेरे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है पूरे इंडिया में. बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को फेस कर रहे हैं. तो यू नो कि मुझे तो ये बात पता चली थी 3-4 दिन पहले. तो लिटरली आई वॉज लाइक कि यार अब क्या करें. वो कहते हैं कि मेरे पैरों से तो यू नो जमीन खिसक गई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्या करा जाए. सो मैंने यू नो अपने कनेक्शंस को फोन लगाया, मैंने उनको कहा कि यार आप कुछ करो, आप कुछ करो, आप ये पता लगाओ कि भाई ऐसे क्या चाहती है, ऐसे इसको इस पर कोई लिबरल एक्शन लेगी या नहीं लेगी. तो मेरे एक जानकार थे, मैंने उनसे कॉल लगाया, उनका कोई CCM में यू नो कनेक्शन था, तो उन्होंने उससे बात करी. उन्होंने ये कहा कि देखो यार ऐसा है कि ऐसे की अभी कोई मीटिंग चल रही है, कोई चीज़ वो कंसिडर कर रही है कि ना इन बच्चों का क्या करा जाए. तो मुझे 3-4 दिन पहले जब ये बात पता चली तो मुझे थोड़ी सी होप मिली, क्योंकि उनके कनेक्शन के थ्रू मुझे ये पता चला कि ऐसे अभी थोड़ा पॉजिटिव है, वो यू नो बच्चों को रिलैक्सेशन देगी, वो नोटिफिकेशन निकालेगी कि हम जो बच्चे इनएलिजिबल हो रहे हैं क्योंकि हमारी कोई आर्टिकलशिप की प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई नहीं हो पाई, तो हम अटेंड देने के लिए एलिजिबल नहीं है. तो मैं ये उम्मीद में था कि ऐसे जो है कुछ यू नो पॉजिटिव नोटिफिकेशन दे. लेकिन 3-4 दिन कॉन्स्टेंटली मैंने लोगों से यू नो बात करी, मैंने जो भी ISI में मेंबर्स से मैंने उनसे बात करी. एंड आज लिटरली जाकर मुझे ये पता चला, ऑलमोस्ट ही कन्फर्म हो गया कि ISI जो है ना कोई लिबरल व्यू नहीं ले रही है, विच मीन्स कि हम लोग जो है अब नवंबर 23 के लिए एलिजिबल नहीं है. कैन यू जस्ट इमेजिन, मैं एक ऐसा इंसान जो फाइनल में CA फाइनल में नवंबर 23 में रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था, उसको ये पता चल रहा है कि ना अब तो मैं एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हूँ ही नहीं. देखो इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि 3 महीने तो ठीक है यार, इसके बाद 6 महीने ऑलमोस्ट मेरे पूरे खराब है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस अटैम्प्ट में मैं CA बन जाता, लेकिन मुझे जबरदस्ती यू नो 3-6 महीने आगे फेंक दिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज एक छोटी सी कोई प्रोसीजर रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं हो पाई. यार देखो मैं अकेला होता ना तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता कि ठीक है यार पूरे इंडिया में मैं अकेला था जिसकी कोई गलती होगी, जिसकी वजह से यू नो मैं नवंबर 23 में एलिजिबल नहीं हूँ. लेकिन यार ये मैं अकेला फेस नहीं कराऊँ, ये प्रॉब्लम्स यू नो इंडिया में पता नहीं कितने स्टूडेंट्स फेस करे होंगे, मुझे एक्जैक्टली फिलहाल नंबर पता नहीं है. मैं यूट्यूब पर ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि जो जो लोग इस चीज़ से सफर कर रहे हैं वो इस वीडियो को यू नो कितना स्प्रेड करें कि ना ISI के पास ये वीडियो पहुंचे, ISI थोड़ा लिबरल एक्शन ले. बिकॉज देखो एग्जाम फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 22 अगस्त ही है, मुझे पता है. तो लिटरली मैंने अभी जिन लोगों से बात करी तो दे सेड कि यार देखो हो सकता है कि आपके सोर्सेज से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही भी हो, लेकिन हो सकता है कि भाई ISI एक लिबरल व्यू लेने के लिए रेडी हो. तो मुझे अभी बिल्कुल ये पता नहीं है कि ISI चाहती क्या है. देखो अगर तो ऐसा है कि ना ISI लिबरल व्यू नहीं ले रही है तो हम फंसे हुए हैं, बिकॉज हम उम्मीद करें कि भाई 22 तारीख तक है ना क्या हो कि कोई नोटिफिकेशन आ जाए. तो हम तो यही चाहते हैं कि यार आप ना ऐसा मत करो, अपने एक्ट में चेंज करना है तो चेंज कर दो, आपको जो भी पावर्स एक्सरसाइज करनी है पावर एक्सरसाइज करो, बिकॉज उनकी पावर्स से यार हम बच्चों के करियर से बड़ी है क्या. हमने 4-5 साल इतनी मेहनत करी है ये सुनने के लिए कि एग्जाम के 3 महीने पहले हमें ये पता चले कि यार आपको एग्जाम देने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, आपके 6 महीने बर्बाद हैं. यार एक बात बताऊँ, एक छोटी सी गलती, छोटी सी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट में अगर कोई गलती हुई तो क्या 6 महीने का कॉस्ट वो बियर कर दिया क्या? इज इट लिटरली वर्थ इट? मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ISI एक लिबरल व्यू ले, ISI को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करे. बिकॉज देखो अभी मैं बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा समय खराब हो रहा है, बिकॉज मुझे एक्चुअली बैठ के भी पढ़ना होता. मैं लिटरली मेरा परसों मेरा IDT का मॉक टेस्ट है, मैं उसकी फुल फ्लेज्ड तैयारी कर रहा था. 2 दिन पहले मुझे ये पता चलता है, 2-3 दिन पहले कि यार आप एलिजिबल नहीं हो, मैं हिल चुका हूँ. फिर मैं धीरे जैसे तैसे अपने आपको यू नो कि वो कहते हैं ना कि बांध के रखा कि नहीं पढ़ते हैं, हो सकता है ISI लिबरल व्यू दे. आज मुझे पता चलता है कि यार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ISI लिबरल व्यू नहीं ले रही है. तो आज अगर मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, देखो मेरे हिसाब से ना ISI को लिबरल व्यू लेना चाहिए. मैं चाहता हूँ कि यार आप है ना इस वीडियो को स्प्रेड करो, लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को, ISI के मेंबर्स तक पहुंचाओ, ISI के चेयरमैन तक पहुंचाओ, ISI में जो जो पावर एक्सरसाइज करता है उन तक पहुंचाओ. बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे 6 महीने बर्बाद हो. यार मेरी क्या गलती है, मेरे को 6 महीने को 6 महीने की कॉस्ट, आपको पता है 6 महीने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अगर आप लोगों को ये पता है तो आप लोग एक सीरियस एक्शन लो ना यार. मतलब क्यों हमारे करियर के साथ खेलने में लगे हुए हो आप? हो सकता है देखो इसमें गलती हमारी हो सकता है कि भाई प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स में कोई गलती रह गई हो, लेकिन ठीक है यार अब क्या करें. मतलब 6 महीने बर्बाद करना, इज इट वर्थ इट? और देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि ऐसा है कि जो अभी नया कोर्स आ चुका है, मैं कॉस्टिंग लॉ जैसे सब्जेक्ट को रट चुका हूँ, मैं कॉस्टिंग लॉ जैसे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ चुका हूँ, मुझे पता चला है कि यार वो तो पढ़ने ही थे मुझे. यार मुझे अगर ऐसा था कि भाई मैं एलिजिबल नहीं था तो मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता कि यार आप एलिजिबल नहीं हो, तो मैं उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करता. लेकिन सब कुछ तैयार करने के बाद मुझे पता चला कि तो आप एलिजिबल ही नहीं हो. तो यार हो सकता है कि भाई पहले ऐसी सिचुएशन आई हो, तो जब ISI ने ऐसा लिबरल एक्शन ना लिया हो. लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है ना, इस बार तो देखो आप हमारा जो कोर्स है वो चेंज हो जाएगा. तो मुझे क्या होगा, मुझे मैं लिटरली जो ओल्ड कोर्स से रिलेटेड हूँ, मुझे पूरे एक नए कोर्स का ना वो एक्सपोजर लेना पड़ेगा. उसमें तो सब्जेक्ट हट रहे हैं, फिर पता नहीं क्या क्या चेंजेस है, मैं बिल्कुल नहीं जानता. लिटरली जब बच्चे मुझसे पूछते थे कि न्यू कोर्स में क्या हो रहा है, अभी मुझे करना क्या है, जिस रास्ते जाना नहीं है उसका पता मैं क्यों पूछूं? तो मुझे लिटरली न्यू कोर्स के बारे में कुछ नहीं पता. अगर तो ऐसा होता है कि भाई ISI को जो है ना लिबरल व्यू नहीं ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि मेरे 6 महीने पूरे बर्बाद हैं. ये 3 महीने प्लस का 6 महीने पूरे बर्बाद हैं. तो प्लीज़ ISI मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप एक लिबरल एक्शन लो,
एक लिबरल व्यू लो, थोड़ा हम बच्चों पे दया करो। 500 बच्चे हैं, देखो मैं अकेला नहीं हूँ यार, पूरे इंडिया में 500-600 कितने ही बच्चे हैं, उन सबके करियर के साथ मत खेलो। 6 महीने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि ठीक है आपका एक भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन यार कोरोना के टाइम पे भी तो एक्सटेंशन आया था ना, कोरोना के टाइम पे भी आपने ये थोड़ी कहा था कि यार हम अपने एक्ट में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ना हम डेट्स एक्सटेंड नहीं करेंगे। उस समय भी डेट्स एक्सटेंड हुई थी ना, तो इस बार भी आप प्लीज डेट एक्सटेंड करो। मैं भी चाहता हूँ यार इस बार भी आप प्लीज एक लिबरल व्यू लेके हम बच्चों को एलिजिबल करो एग्जाम देने के लिए, बिकॉज वी आर लिटरली यू नो फ्रिकिंग सीरियस फॉर दिस एग्जाम। मैं लिटरली बहुत तन मन धन से पढ़ रहा हूँ, दिन में 8-10 घंटे इन्वेस्ट कर रहा था अपनी पढ़ाई में, अब मुझे पता चल रहा है कि एग्जाम नहीं देनी है, तो ये लिटरली सही नहीं है। मैंने जब ये बात सुनी मैं पूरा ब्लैंक हो चुका था, मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। नो अभी भी मैं फिलहाल पूरा ब्लैंक पढ़ा हूँ, मेरा शरीर पूरा पूरा भारी पड़ा है, भारी भारी वो होता है ना कि घबराहट हो रही है कि ये क्या हो गया। जब आपको आपके सपने होते हैं कि 3 महीने बाद आप सी बन जाओगे, सी बन जाओगे तो ये होगा, सी बन जाओगे तो वो होगा, पता चला अभी सी तो क्या आपको एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो, फिलहाल फेल होना फेल होना तो अलग बात हो गई। तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि ICI आप एक लिबरल व्यू लो प्लीज़, अगर आपको एक्ट में चेंज करना है तो हमारे ये चेंज थोड़े बहुत कर दो। हो सकता है कि हमसे गलती हो गई हो, लेकिन देखो जानबूझ के तो कोई इंसान गलती करता नहीं है, गलती हुई हो तो अनजाने गलती आई मीन हुई है तो ऑफकोर्स वो अनजाने में ही हुई होगी हमारे से अगर है तो, अदरवाइज आप लोगों ने एक्सटेंशन दिया था उसमें कंफ्यूजन की वजह से पता नहीं चला कि भाई नए बच्चों के लिए एक्सटेंशन है क्या पुराने बच्चों के लिए एक्सटेंशन है। लिटरली जब मैंने अपने फॉर्म फाइल करे तो मैं तो ये सोचा था कि मेरा इनिशियल रजिस्ट्रेशन, आप मानो कि मेरा इनिशियल रजिस्ट्रेशन है April 2021 का, उसके बाद मैंने जुलाई में ट्रांसफर लिया, जुलाई के बाद मैंने अगेन रजिस्ट्रेशन लिया। लिटरली मैं तो मेरा तो ये व्यू था कि यार मैंने अप्रैल में रजिस्ट्रेशन लिया, मैं एलिजिबल हूँ ऑफकोर्स। अब ट्रांसफर लेने के बाद थोड़ी बहुत प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स में दिक्कत हो गई जो मुझे भी नहीं पता था, और मुझे लगा भी नहीं था कि ऐसी दिक्कत बाद में देगा ये, तो उस वजह से मुझे आज सफर करना पड़ रहा है। अब देखो दो साल पहले कुछ कांड हुआ था, उसके पहले सब कुछ सही था और उसके बाद भी सब कुछ सही था, अब अचानक जाके ये चीज़ें ना हमारे स्तर पर फट रही है। तो मैं लिटरली ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाओ, आप लोग जो जो इससे सफर कर रहे हैं वो टैग करो, जिसको टैग करना है, जिसको शेयर करना है इसको करो, एंड प्लीज़ एक लिबरल व्यू लिया जाए, बिकॉज देखो मेरे पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी क्या करूं, मुझे ये भी नहीं पता कि यार नए कोर्स में होता क्या है, नए कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट पता है जो मेनली हट चुके हैं, उसके अलावा बाकी में क्या चीज़ हैं क्या चीज़ नहीं है, लिटरली आई हैव नो बड़ी फ्रिकिंग आइडिया। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, देखो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ भी जोड़ लेता हूँ, देखो मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ ICI प्लीज़ 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 हम पे रहम करो, जबरदस्ती हमारा 6 महीना खराब मत करो। मैं चाहता हूँ लिटरली कि मैं इस बार एग्जाम दूँ और मैं CA बन के बाहर निकलूँ, एंड ट्रस्ट मी मेरा रैंक भी आ जाता अगर मुझे एग्जाम देने दी जाती तो। और मैं अभी भी चाहता हूँ कि आप प्लीज़ एक लिबरल व्यू ले लो, बिकॉज अभी भी टाइम निकला नहीं है, बिकॉज 22 तारीख आपकी आखिरी डेट है, 22 तारीख से पहले कोई मिरेकल करो और हमें जो है रिलैक्सेशन दो, बिकॉज हम एग्जाम देना चाहते हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, कितनी बार मैं प्लीज़ बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप एक लिबरल व्यू लेके हम बच्चों पर थोड़ी दया करो, बिकॉज देखो हम बच्चों को सफर करना पड़ेगा ऑफकोर्स। अब ऐसा होता ना कि यार अगर कोई न्यूज़ की नहीं है, आपको जो पढ़ना है वही पढ़ना था, तो ठीक है थोड़ा बहुत वो भी होता कि यार ठीक है चलो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है कि और अच्छी पढ़ाई हो जाती है, ऐसा वैसा थोड़े अपने मन को संभाल लेते कि नहीं अपने को ज़्यादा टाइम मिल गया ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा नहीं है ना, इस बार न्यू न्यूज़ टीम है, तो प्लीज़ आप कुछ करो, हम बच्चों पे दया करो यार। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, लोगों की बद्दुआ आगे मैं नहीं दूंगा बद्दुआ, लेकिन लोग कुछ कुछ तो देंगे ना आपको, लेकिन करो यार हमने पढ़ाई करी है, मैं फुली प्रिपेयर हूँ। आप देखो यार ये लगे हुए हैं DT के पोस्टर्स लगे हुए हैं इधर की, भाई मुझे क्या क्या नोट्स पढ़ने क्या नहीं पढ़ने, ये सब क्या क्या करूँगा, अभी 6-7 महीने लगे रहेंगे क्या। एक लिबरल व्यू लिया जाए प्लीज़ और हम पे दया करी जाए, बिकॉज मैं लिटरली एग्जाम देना चाहता हूँ। अब देखो मेरा समय फिलहाल तो खराब हो रहा है ना, 8-10 मिनट वीडियो बनाने लगे, एडिटिंग करने में, अपलोड करने में, वायरल करने में, पूरा माइंड हिल चुका है अभी फिलहाल। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का कुछ नतीजा निकले, बाकी तो सब देखो ICI भगवान है, ICI बोलता है कि यार अगर सूरज रेस्ट में से निकलेगा तो हम मान लेते हैं, हम तो CA स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ठीक है यार इस बार हमारी थोड़ी सुन ली जाए, इस बार थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे 6 महीने खराब हो। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि 6 महीने, देखो मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ लूँगा, मैं जिंदगी भर वो कहते हैं कि जिंदगी भर इंसान पढ़ सकता है, लेकिन मैं जिंदगी भर पढ़ने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन मैं सोचा था कि 3 महीने पढ़ के अपन फ्री हो जाएंगे, सीए बन जाएंगे, फिर जिंदगी में कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मेरे 6 महीने खराब होंगे, 6 महीने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और 6 महीने अगेन वही फ्रस्ट्रेशन, अगेन वही डिप्रेशन तो होता नहीं ऑफकोर्स देखो मुझे, लेकिन वो होता है ना कि मैं मेंटल प्रेशर रहता है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है जिंदगी में। या देखो मैं ये सोचा था कि 3 महीने बाद नवंबर 16 को हमारी एग्जाम खत्म होती, नवंबर 16 के बाद जिंदगी अलग होती कुछ, लेकिन अब तो पता चला कुछ ही नहीं जिंदगी, जिंदगी तो वही है वापस कि वापस वही साइकिल, आर्टिकल से पढ़ाई, आर्टिकल से पढ़ाई, आर्टिकल से पढ़ाई। तो लिटरली मैं ये चाहता हूँ कि ICI रिलैक्सेशन दे, मैं लिटरली ये चाहता हूँ कि ICI फेवर में हमारी नोटिफिकेशन निकाले, हम मैं अकेला बच्चा नहीं हूँ, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज़ से सफर कर रहे हैं। सो प्लीज़ 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 डू समथिंग, प्लीज़ एंड प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।